लोग आ गए। देखिए जी, गवर्नमेंट की खुदाई और मयूर की पिटाई कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो आज उदयपुर में सब तरफ गवर्नमेंट की खुदाई रखी है और मयूर की पिटाई रखी है। तो भाई साहब आपकी पिटाई क्यों हो रही है, बताइए लोगों को। आई डोंट नो, खुदाई के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि लगता है यहाँ पे किसी व्यक्ति ने बहुत अपनी अकड़ लगाई है। उन्होंने बोला कि अभी लॉकडाउन है, सॉरी अनलॉक है, लेकिन अभी भी लोग घबराए हुए, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ये जो है अपॉर्चुनिटी है वो यूज कर रहे हैं थोड़ा काम करने के लिए, सिटी को थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए। और क्योंकि लोग कम है रोड पे, तो लोगों को दिक्कत कम हो रही है, तो इसलिए खुदाई हो रही है। पिटाई मेरी क्यों हो रही है मैं नहीं जानता, 1976 से मेरी पिटाई हो रही है, क्योंकि बाई चांस मैं छोटा हूं और ये मोटा भाई है, तो इसलिए मेरी बहुत सालों से पिटाई हो रही है, मुझे नहीं पता अभी तक क्यों हो रही है। तो उदयपुर की सड़कें वैसे ही वाकई तंग है काफी शुरुआत से ही, लेकिन उसके ऊपर आजकल खुदाई की वजह से और प्रॉब्लम हो गई है। और उसके ऊपर से एक गुजराती टूरिस्ट बहुत है यहाँ पर, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वो बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, और वो बिल्कुल सड़क के बीच में चलाते हैं, ना यहाँ से किसी को जाने देते, ना वहां से किसी को जाने देते हैं, तो काफी तकलीफ हो रही है। हम आज फंसे हुए थे आधे घंटे तक किसी के पीछे, और फिर उन्होंने गाड़ी रोक के सड़क के बीच में उतर के फोटो लेनी शुरू कर दी। तो हम देख रहे हैं भाई साहब ये क्या कर रहे हैं भाई। तो ये हाल है उदयपुर का। तो गुजराती टूरिस्ट भाई लोग, सारे टूरिस्ट दुनिया के, खैर गुजरातियों को क्यों पॉइंट आउट करना, गुजराती बड़े मीठे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, लेकिन सारे टूरिस्ट इंडिया के, आपसे विनती है कि अगर आपको फोटो खींचनी हो तो शराफत से गाड़ी साइड में लगाएं, बाकी सबको जाने दें, आप निकलें जितनी फोटो खींचनी है खींचे, हमें कोई चिंता नहीं, सारी सड़क ना बंद करें। फिर बताओ उनको कुछ यार, इतनी गर्मी से क्यों बोल रहा है। हाँ, वैसे गर्मी से याद आया, राजस्थान में ये हमने नोट किया है, बड़े सालों से हम देखते रहे कि जब धूप होती है तो भाई साहब ऐसी धूप होती है 10 मिनट में दिमाग पक जाता है, और जो जो ब्रेन है ना, ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा कोई जिस चीज से मेरा कोई नाता नहीं, उस पर मैं कुछ जानता नहीं हूं, वो पिघल के कान से निकल आते हैं। लेकिन जैसी धूप गई और थोड़े बादल आ गए और बारिश अगर आ गई, तो ऐसी ठंडी हवा चलती है और ऐसा मजा आता है, और ऐसा आप क्या बोले वो लुत्फ, ऐसा लुत्फ ले सकते हो आप मौसम का, कि मतलब आपको ऐसा लगता भी नहीं कि मतलब 10 मिनट पहले आप पक रहे थे और आपके दिमाग की खिचड़ी बन रही थी जी। और सावन का मौसम है अभी, वैसे तो सावन अलग होता है, भादो अलग होता है, तो ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन मतलब बारिश का मौसम है, बरसात हो रही है सब तरफ, लेकिन एक बार ये हवा शुरू हो जाती है ना राजस्थान में, तो ठंडी एकदम जो गर्म गर्म जमीन पे, तपती हुई जमीन पे बारिश गिरती है, तो उसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त आती है, और उसके बाद जब हवा चलती है तो एकदम ठंडी हो जाती है, तो उससे ज्यादा मजा दुनिया में बहुत ही कम चीजों में है कि आप कहीं पे अच्छी सुंदर जगह पे बैठकर या खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लें। और ये बिल्कुल सस्ती चीजें हैं, जैसे प्यार मोहब्बत दोस्ती रिश्तेदारी बीवी बच्चे, उन सब की तरह ये भी फ्री है, मतलब ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये तो भगवान की देन है आपके लिए, आप जाए कहीं भी जाए खड़े हो जाए, अगर ठंडी हवा चल रही है तो मुफ्त में आप जितना मजा ले सकते हैं उसका लीजिए। और कल बड़ा एक्साइटिंग दिन है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं ऐसे खूंखार जंगलों में जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होगी, और आप सोच रहे हैं राजस्थान के जंगल, जी हाँ राजस्थान के जंगल, महान जंगल जहां पर शिकार हुआ करता था, जहां पर खूंखार जानवरों को मारा जाता था पुराने जमाने में। आजकल मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो जंगली जानवर होते हैं ये नेचर के होते हैं, एनवायरमेंट वैसे हमने वाट लगा रखी है एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट को छोड़ दीजिए, जानवर पक्षियों को ना मारे, जंगली वालों को उनको ना मारे, क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, अगर ये खत्म हो गए एनवायरमेंट बर्बाद हो जाएगी, फिर हम आप और हम और सब लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत का करिश्मा तो आपने देखा, ये कुदरत ने यूं किया और 6 महीने के लिए सारी दुनिया बंद हो गई, अगर कुदरत ने बाई चांस यूं कर दिया तो बेटा फिर तो कुछ होता ही नहीं है। मैं सुन रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रॉकी भैया ने बोला है, कि मतलब आप अगर वातावरण का ख्याल रखेंगे, और वातावरण से सिर्फ मतलब हम जो है जंगल और वो सब की बात नहीं करें, पूरा आपका वातावरण अगर साफ रहेगा तो उसमें आपकी लंबे टर्म में बहुत भलाई है। अब आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए, अलग अलग जगह पे यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अपने जो कासल हैं, फोर्ट हैं, महल हैं, उनको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया है, रिस्टोर किया है, ख्याल रखते हैं, सफाई हो रही है, उससे क्या होता है लोगों का मन करता है, अन्य अन्य देशों से, अन्य अन्य सिटी से, भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न, इन्हें माफ करेगा, इनका दिमाग शाम तक बहुत धीरे हो जाता है। पॉइंट जरूरी है, पॉइंट जरूरी है, धक्का मार के चलाना पड़ता है, धक्का स्टार्ट है। जहां से भी देखो लोग आते हैं, क्योंकि वो आके आनंद लेते हैं, लोग आएंगे
वो आपके रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, आपको आपकी एंट्री फीस देंगे, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, आपकी सिटी में सबकी भलाई होगी, आपके स्टेट में सबकी भलाई होगी। इसलिए हम तो यही कह सकते हैं कि वातावरण का ख्याल रखिए, जो आपकी हेरिटेज है, हिस्ट्री है, जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनका ख्याल रखिए, विरासत थैंक यू, उसमें सबकी भलाई है, मैं लॉजिक की बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही, और इसी के साथ हम आपको कल मिलेंगे। याद रखिए हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद RNM, और हम दोनों मस्त मौला कल निकल लेंगे, कहां पहुंचेंगे कौन जाने, क्योंकि रास्ता है जिंदगी और बाकी सब है। कोई शेयर वेयर के एंडिंग करना, कोई शेयर के साथ एंडिंग करना। उसके पहले मैं शेयर देने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि रोड ट्रिपिंग विद रॉकी एंड मयूर एंड ओयो पूरा नाम, हैशटैग है रोड ट्रिपिंग विथ RNM। अब मैं शेयर अर्ज करता हूं, सोचना पड़ेगा। आज हमने लंच में खाई बड़ी करारी भिंडी, मयूर स्ट्रगल करते हैं कभी कभी जब वो बोलना चाहते हैं हिंदी। सलाम अर्ज किया था बच्चा, बस हो गया, शेर देख क्या रहे हो आप, बस इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। मयूर जब निकलते हैं रॉकी के साथ, दोनों बन जाते हैं यात्री, इंग्लिश में कहते हैं गुड नाइट, हिंदी में बोलते हैं शुभ रात्रि। Follow History TV 18 and Rocky and Mayur on these social media platforms for daily trip and updates.